कभी हिजाब कभी हलाल, लगता है पूरे देश को मीडिया ने चुनावी भट्टी में धकेल दिया है। हर दिन इसे सुलगाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा इस भट्टी में झोंक दिया जाता है और हम पेट्रोल डीजल और महंगाई की कीमतों को भूल धार्मिक उन्माद को अपने अपने ड्राइंग रूम या फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर देखकर कहते हैं ये देश कहां जा रहा है। खैर, मुद्दे पर आता हूं, ज्ञान नहीं दूंगा। रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। मगर क्या आपने कभी ये सोचा या जानने की कोशिश की कि 10 बार 11 बार 12 बार 13 बार 80 पैसे की ही बढ़ोतरी क्यों की जाती है? सिर्फ 80 पैसे। बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 80 पैसे। मैं नहीं बल्कि सरकार कहती है। कैसे, वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन क्या आप जानने की कोशिश करेंगे कि ज्यादातर तेल कंपनियां कीमतों में 80 पैसे की वृद्धि ही क्यों करती हैं? 80 पैसे की कहानी बताएं, उससे पहले एक दिलचस्प किस्सा आपको सुनाता हूं। किस्सा धृतराष्ट्र और संजय के बीच संवाद का है। ये कहानी तो आपने बचपन में भी शायद सुनी होगी। संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि संजय क्या चल रहा है। संजय बताते हैं, महाराज डंकापति आजकल बहुत बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ही डंकापति ने परीक्षा पर चर्चा की। उन्होंने बच्चों को इम्तिहान के दुर्ग को भेदने की कला सिखाई। एग्जाम को ये चिट्ठी लिखो, हे डियर एग्जाम, अब तो लगो तुम क्या समझते हो? मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने इतना प्रयास किया है, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले? संजय ने फिर से धृतराष्ट्र से अगला सवाल दाग दिया और कहते हैं और पूछते भी हैं कि संजय बताओ, परीक्षा पर चर्चा कैसी रही? संजय ने कहा, शानदार। परीक्षा की चर्चा की कामयाबी पर लोटपोट डंकापति से उनके सेनापतियों ने कुछ और मुद्दों पर चर्चा की मांग की है और अंदर की खबर यह है कि डंकापति इस पर हामी भी भर चुके हैं। आने वाले दिनों में कुछ और मुद्दों पर डंकापति चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। धृतराष्ट्र ने फिर संजय से सवाल पूछ लिया, बताओ डंकापति कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं? संजय ने कहा, जनता की वैसे दिल्ली ख्वाहिश है कि डंकापति महंगाई, पेट्रोल के बढ़ते दाम और शांति के दूत बनकर भाईचारे का संदेश दे। फिर धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, संजय बताओ क्या डंकापति इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? सवाल को सुन संजय का सिर झुक जाता है, वो खामोश हो जाते हैं, यानी कि मौन हो जाते हैं। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। पूरे हस्तिनापुर में महंगाई बेलगाम हो चुकी थी। तेल से लेकर साबुन, साबुन से लेकर मैगी तक के दाम बढ़ने लगे थे। धृतराष्ट्र इसे सुनकर नाराज हो जाते हैं। संजय से कहते हैं, बस करो, बस 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 करो, सभा को यहीं खत्म करो। सभा स्थगित हो जाती है और फिर संजय और धृतराष्ट्र के बीच का संवाद यहीं खत्म हो जाता है। आप संजय की भूमिका और धृतराष्ट्र की भूमिका को शायद समझ गए होंगे और मैंने ये किस्सा आपको क्यों समझाया और समझाने की कोशिश की ये भी आप बाखूबी समझ रहे होंगे। धृतराष्ट्र कौन है, संजय कौन है? संजय, संजय मैं नहीं, संजय कोई और है। संजय जो है वो आपको धार्मिक उन्माद की भट्टी में धकेल रहा है। डंकापति कौन है वो भी आप शायद समझ रहे होंगे। खैर, 80 पैसे करते करते पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए पार हो चुके हैं, मगर दरबारी चैनल इस पर चर्चा करने से कतराते हैं। एक और दिलचस्प किस्सा आपको सुनाता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडी ने डिबेट ट्रैकर पर एक बहुत बढ़िया रिसर्च की है। रिसर्च में पाया गया है कि 19 मार्च से 24 मार्च के बीच, ध्यान दीजिएगा तारीख पर, 19 मार्च से 24 मार्च के बीच तमाम चैनलों ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट तक पेट्रोलियम की कीमतों पर खबर और बहस पर खर्च किया है। मतलब इतना समझ लीजिए कि कुल बहसों का सिर्फ और सिर्फ 5% इसे कहते हैं। खैर, देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कहते हैं कि हमने तो 5% ही दाम बढ़ाए हैं। क्या ये सही है? क्योंकि दिल्ली 94 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला तेल 103 के पार पहुंच गया, यानी कि सीधे तौर पर 10% का इजाफा। वो कहते हैं कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, वहां पर 50% तक का इजाफा किया गया। तो सवाल ये कि क्या सरकार हमें 50% की वृद्धि के लिए तैयार कर रही है? अब कोई पूछे मंत्री जी से उन देशों के प्रति व्यक्ति आय कितनी है जिन देशों का वो हवाला दे रहे हैं, जिनका उदाहरण वो देकर थक नहीं रहे। खैर, ये सवाल उनसे पूछेगा कौन? सीएनजी के दाम भी
बढ़ रहे हैं। 6 महीने में 37% का इजाफा हो गया, शायद पढ़ते पढ़ते कुछ और इजाफा हो चुका होगा। 137 दिन के रहम के बाद अब बकरा बनने के लिए आप तैयार हो जाइए या फिर तैयार हो चुके हैं। नींबू के दाम सुनने में आया है कि 280 रुपए से लेकर 300 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। दूध के दाम बढ़ चुके हैं। मुफ्त में मिलने वाला धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची भी अब बहुत से दूर हो गई है। यानी महंगाई से बचना है तो खाना कम बनाएं, कम खाएं, घर में ही रहें, वाहन से सड़क पर ना निकलें जैसे कोरोना काल में करते थे। हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। इसलिए सरकार की आलोचना से बचे, गोदी मीडिया पर फोकस रखें, सकारात्मक सोचें। वैसे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों में बहुत से लोगों के चेहरे हैं ना, वो बेनकाब कर दिए हैं। उनमें से एक चेहरा है बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव, योग गुरु बाबा रामदेव, सुनिए जरा। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है, तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दो। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा, चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। लोगों को बाबा रामदेव की बात सुन आहत नहीं होना चाहिए, दिल पर ना लीजिए, क्योंकि पूरे देश ने उन्हें कपड़े बदलकर चरित्र बदलते हुए भी देखा है। संत का चोला पहनकर लोगों को दिन रात ज्ञान बेचने वाले बाबा रामदेव योग साधना, प्रेम, ध्यान, क्रोध, सत्य, शांति, अध्यात्म, इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बात कहते थे। मगर जब चमनप्राश बेचने वाले चमनप्राश बाबा जैसे ही सत से उनका सामना हुआ, इनका अपनी ही इंद्रियों से नियंत्रण खो बैठे, सारे चमनप्राश की ताकत लुप्त हो गई। बाबा क्रोध में आ गए और फिर वो बोल दिया जो इतिहास बन गया। जय बाबा रामदेव, सुनिए। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। खैर, अब ये जान लीजिए कि 80 पैसे की बढ़ोतरी ही क्यों होती है। 80 पैसे की पेट्रोल के दाम दरअसल चर्चाओं में है। तेल कंपनियों के पास पहले से ही खबर है कि एक सेकुलर आया था जिसमें हिदायत दी गई थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी 1 रुपए तक ही की जा सकती है। इसके बाद होता क्या है? काफी गहन विचार करने के बाद खबर यह है कि कंपनियों ने तय किया कि अपने स्तर पर अधिकतम लिमिट जो है, जैसे आप जब स्पीड में चलते हैं तब तय होती है 70, 80, 90 अलग अलग जगहों पर, और इन कंपनियों ने तय किया कि 80 की लिमिट, यानी कि 80% ही हम पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में रोजाना के आधार पर जो भी बढ़ोतरी की उसमें ज्यादातर इसीलिए 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। खबर तो ये है। वैसे मेरा सवाल आपसे भी है कि क्या इस बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से आपको कोई फर्क पड़ता है? खैर, चलते चलते मैं एक और खबर का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। सेना में 1 लाख से ज्यादा पद खाली है और 2 साल से सेना की भर्ती बंद पड़ी है। जंतर मंतर पर सेना भर्ती की मांग को लेकर हजारों युवा प्रदर्शन कर रहे थे। आपने शायद देखा नहीं होगा क्योंकि दिखाया नहीं होगा। युवा दौड़ रहे हैं और बस दौड़ रहे हैं, लेकिन हां, सोशल मीडिया पर वो वायरल भी हो रहे हैं। देश में चर्चा हिंदू मुसलमान पर हो रही है और हम आपस में लड़ रहे हैं। थोड़ा सुस्ता लीजिए। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर बहुत मेहनत और लगन और ईमानदारी के साथ इस तरह के शो हम तैयार करते हैं। आप हमारी मदद करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें अगर अच्छा लगा तो। हमारे इस परिवार के साथ जुड़कर स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को बल दें। पत्रकारिता के गुजरते इस बुरे दौर से बाहर निकालने में आपका कंधा महत्वपूर्ण होगा। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके इस सहयोग से हमारा हौसला बढ़ेगा और जैसे कि हमेशा मैं कहता हूं कि यह कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद।